बहन जी की सरकार ऐसी बढ़िया है, इस सरकार तो बढ़िया में सरकार दिखती ही नहीं। अच्छा हाँ, इतनी बढ़िया सरकार है बहन जी की। है बहन जी की इतनी बढ़िया सरकार नु है, और बहन जी के शासन में, बहन जी के शासन में सारी चीज सस्ती थी, और अब जब बहन जी की सरकार जब आ जाएगी हम खुशहाल रहेंगे। योगी जी की सरकार अच्छी नहीं है? बिल्कुल खराब। क्या खराब है? 100% खराब। हम बताऊं क्यों खराब है? 200 रुपए किलो तो कर दिया तेल, 100 रुपए बढ़ाया दिया पेट्रोल, जहाँ पेट्रोल दी 70 रुपए था 100 रुपए कर दिया। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन जितना हड़का कर दिया, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, सब पता पैसा चाहिए उन लोगों को। तो इस सरकार ने लूट का बगाया दिया, कहते ही कैद यहाँ तक दलाल खत्म हो गए, दलाल खत्म नहीं हुए यहाँ, इस सरकार में चुके तो हैं दलाल अब भी। एक पुलिस वाला कम से कम 10,000 रुपये लेकर अपने घर पर है, एक पुलिस वाला ही। इतनी हड़काया कर दिया पुलिस वाले सरकार ने, बस कुछ पूछो ना, बात हमें ही पता। दूसरी बात, यह सरकार इतनी बढ़िया है, इस सरकार में तो हमारी बसपा की सरकार है, इस सरकार में हम खुशहाल है, लेकिन और हमें कोई आदमी चाहता नहीं, योगी की सरकार में कोई नहीं चाहता। योगी जी कह रहे हैं हमने हिंदू मजबूत कर दिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ कर दिया मजबूत? कहाँ कर दिया? मोदी जी कमजोर कर दिया। मोदी ने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं करा हमारे लिए तो मोदी ने, और देश को, मोदी ने और देश को कमजोर बना दिया योगी ने। योगी ने बना दिया देश को कमजोर। और ये हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर देखो, कम से कम ज्यादा नहीं कहता, इंडिया के अंदर 60% जमीन वाले हैं और 60% जमीन मजदूर हैं, 60% और 40% जमीन वाले हैं। क्या किसी भी सरकार ने ये सोचा है कि मजदूर की लाइन, मजदूर बेरोजगारी ना बढ़े? बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ चुकी कि कोई भी अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर नहीं पा रहा है। सरकार अनाज दे रही है तो उसमें लकड़ी नहीं चाहिए, उसमें बताओ क्या जरूरत नहीं चाहिए? कपड़ा भी दे रही है सरकार, सारी चीजों की जरूरत थोड़ी पूरी करेगी? सबसे पहले जरूरत बेरोजगारी खत्म हो जाए, सब जरूरत इंसान की सब पूरी हो जाएगी। फ्री का राशन नहीं चाहिए? बेरोजगारी खत्म कर दीजिए बस। हाँ जी, बेरोजगारी खत्म होगी ना, सब अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सब अपना कर सकते हैं। पढ़ाई खत्म कर दी, ठीक है जी, अनपढ़ बना दिए, स्कूल में ताले लग गए हैं। बताओ, योगी की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है, जिससे के हर छोटे गरीब से, मजदूर लाइन से, किसी से भी पता कर लो कि आप कितने परेशान हैं। जो पहले रोटी अच्छी खाता था, वो अब जा अपने घर में 4-4 दिन में, 10-10 दिन में एक दिहाड़ी मजदूरी करता है और चटनी रोटी खाता है। बेरोजगारी इतनी हमारे देश में आ चुकी, किसी मजदूर लाइन, ये बता दो, जमीनों वालों के बारे में सोचती है सरकार? जमीनों वालों के बारे में सोचती है सरकार? कभी मजदूर लाइन के बारे में सोचा है? 60% हमारे देश के अंदर मजदूर है, 40% जमीनों वाले हैं। ये बताओ मजदूर को क्या सुविधा मिल रही है हमारे देश के अंदर? हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पिसरा है वो मजदूर है। मजदूर के लिए सोचनी चाहिए सरकार को सबसे पहले। ईसीएम कार्ड बनवाया है वो, उसमें 6 महीने 2 महीने हो गए बनवाया है, 2 महीने से उसमें 1 रुपया नहीं आया। मजदूर को बिल्कुल, इस सरकार ने मजदूर को ये कहा, मजदूर गरीबी नहीं हटाएंगे, वो गरीबों को ही हटा रहे हैं, वो गरीबों को ही हटा रहे हैं। वो उनका कहना, सरकार कोई भी आए, मजबूत सरकार आए जो मजदूर लाइन के बारे में सोच सके। योगी सरकार कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया उन्हें 5 साल, 5 लाख का हाल देख लो ना, बेरोजगारी कितनी है, वो तो देश में दिखाई दे रहा है। सबको कुछ नहीं दिया, सिर्फ वो नाज है जो खाते हैं, नाज में क्या नमक नहीं गिरता, तेल नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए हैं, घर में हर चीज की जरूरत पड़ती है। जब मजदूरी बंदा 7-10 दिन में 1 दिन करेगा तो वो खाएगा क्या? कह रहे कि सुरक्षित माहौल मिल गया महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर सबसे पहले जो घर परिवार का जिम्मेदारी आदमी है उसको रोजगार मिलना चाहिए।
क्योंकि वो परिवार चलाता है। परिवार एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है, आप भी जब घर पे जाते हो, घर में आप भी ये सोचते हो कि घर में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की जरूरत पूरी करूं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ, आप निर्भर मतलब खुद कमाओ, खुद कमाने भी तो नहीं देंगे वो, कमाएंगे कहाँ से, रोजगार बताओ। मैं सारे इंडिया की गिनवा देता हूँ, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी, हर चीज बंद हो गई है, ठीक है। किसी पे टैक्स बढ़ा दिए, तेल के रेट देख लो, सरसों के तेल के रेट दो, देश मजबूत, देश कमजोर हो रहा है, और देश और ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि देश को सबसे मजबूती चाहिए मजदूरी लाइन, जिससे कि उसे रोजगार मिल सके, वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। हम सहारनपुर के मायावती के रैली के जनसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये हेलीपैड के चारों तरफ है। ये रैली जो मंच लगा वहाँ की भीड़ नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो लोग कह रहे थे कि बहन जी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, 1000 लोगों की परमिशन है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने लोग हैं जो अभी यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं। ये हेलीपैड के साइड की भीड़ है, जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए, मायावती को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल 1 करोड़ मिल जाने, नहीं 1 करोड़ मिल लेने, कहाँ से मिली है सीख ऐसे शरीर पर रखने की? ये तो खून में है हमारे, ये तो हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के थे, फिर हमारे माता पिता के आए, अब हमारे आगे। अच्छा, में है मतलब बीएसपी है? हाँ, जी, में बीएसपी है। वोट बीएसपी को जाएगा? जी, वोट फॉर बीएसपी। अब कट्टर समर्थक हो आप? जी, कट्टर समर्थक हूँ। बिल्कुल। कल कितनी बार किए अब तक रैली होगी? 3 बार। 1, 2, 3, 4 बार। चौथी बार क्या है? 4 बार कर चुके हैं। ठंडी लग रही है? मुझे तो ठंडा लग रहा है, लग रही है, ठंडी लग रही है, जुनून है जी। वोट बीएसपी को दोगे? जी, वोट बीएसपी। कट्टर बीएसपी है भाई, हम तो भारी मतों से जीतेंगे अजब सिंह जी। भारी मतों से जी, लेकिन लग नहीं रहा माहौल तो। लग रहा जी माहौल, आप 20,000 वोटों से विजय हो के जाएंगे अजब सिंह जी। 20,000 जी जी। तो इस बार 5वीं बार बननी है बहन जी सीएम? बिल्कुल बनेगी। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं? अखिलेश यादव ना गठबंधन क्या, अगर अकेले लड़ता तो भी नहीं बना था, एक गठबंधन और कर ले तो भी नहीं बन सकते। अच्छा, क्यों? बहन जी में क्या अच्छा नजर आता आपको? गलती क्या है उनमें? हर चीज काम बताइए। उनके बसपा शासन, बसपा शासन काल में, बसपा शासन काल में मेडिकल कॉलेज दिया सहारनपुर में, मेडिकल कॉलेज दिए हमारे पड़ोस में, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, सड़क और शासन और बिजली और शासन, शासन इतना परफेक्ट रहा कि आज तक देखने को नहीं मिला शासन। बेरोजगारी नहीं गई, पार्क एक ही तो बनवाया नखलाऊ में, वो भी ये नहीं बनवाया फोकट में, उसका किराया ले रही है अब सरकार, उसका तो लेती होगी। ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूर्ति नहीं बनवाती है, मूर्ति नहीं बनवाया, तो मंदिर बनवा रही है। मंदिर में सिर्फ पूजी तो सके, कॉलेज बनवाओ, भाई एक मिनट भाई